हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग मेड इजी। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए, सिलाई सीखने का जिन्हें शौक है उनके लिए स्पेशल सेगमेंट हमने शुरू किया है। आज क्लास का डे वन है, तो आज हम बेसिक गलों की ड्राफ्टिंग करेंगे, स्क्वायर, राउंड और वी शेप के गलों की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहला कौन सा गला बनाएंगे? पहले राउंड गला बनाते हैं। इसके लिए दरमियान में निशान लगाएंगे, बस ये पहले ऐसे लाइन खींची, उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ तक खींच के फासले पे निशान लगाएं। इस तरह भी मार्क कर ले। उसके बाद ऊपर इस तरफ से इधर 3 इंच के फासले पे ऐसे मार्क करें, यहाँ से भी 3 इंच। उसके बाद यहाँ से 1 इंच ऐसे। इसको ऐसे फोल्ड करें, इसके अंदर गुलाई का हिस्सा आ गया। अब अगर आपने गला बड़ा करना है तो 1/2 इंच इसको बाहर निकाल दें और इस तरह लाइन लगा दें। ये बड़ा हो जाएगा गला। अगर इसे छोटा करना है तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ 1/2 इंच कोई बात लाइन लगाएं। वो डिपेंड करता है, गला छोटा हो गया ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक। हाँ, बड़ा करना है तो ऐसे करते जाए। मैं ये गला बनाऊंगी, ये हमारा आ जाएगा गोल गला। अब वी गला बनाने लगी हूँ, ये भी इसी तरह दरमियान में लाइन लगा लें, एक इस तरह। अब अगर आपने नॉर्मल गला बनाना है भी तो ये सेंटर में से 6 इंच तक निशान लगाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, और ऊपर से 3 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ से 3 इंच। अब इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच लेंगे। ये भी आपने इसी तरह करना है। अगर इसे बड़ा करना है तो ऐसे निशान लगाते जाएं, ऐसे। अगर और भी बड़ा करना है तो ऐसे निशान लगाते जाएं, तो ये गला बड़ा बनता जाएगा। अगर छोटा बनाना है तो ये वाला ठीक है साइज, नॉर्मल साइज। इसको भी ऐसे फोल्ड करें,
करके ये हो गया, भी हटा दें जी हमारा वी शेप का गला। इसी तरह अगर स्क्वायर शेप का गला बनाना है तो उसके लिए भी ऐसे लाइन लगाएं, फिर एक लाइन सेंटर में, और सेंटर में हम लाइन लगाएंगे 6 इंच तक, ये भी 6 इंच गहरा गला बनाएंगे। ऐसे ऐसे लाइन लगा लें और उसके बाद इसी तरह 3 इंच के फासले पे निशान लगाएं, इधर से भी 3। इस तरह इधर लाइन खींच ले और इधर ऐसे। ये चौरस गला जो है ये थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, शेप ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर इसको बड़ा करना है तो उसी तरह यहाँ से और यहाँ से लाइन लगा, ये बड़ा हो गया। अगर और बड़ा करना है तो ऐसे तरह से ये गला बड़ा होता जाएगा, ये छोटा, ये बड़ा, ये उससे भी बड़ा। इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ से फोल्ड किया गले की कटिंग करने से पहले कोई खास नाप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई बहुत पतला या ज्यादा मोटा इंसान है, यही तरीका है ना कि अगर छोटा गला बनाना है तो अंदर को बना ले, यानी मैंने 3 इंच रखा है, आप 2.5 इंच कर ले, वैसे 2.5 तो बहुत तंग हो जाता है। अच्छा, छोटा गला ज्यादा 3 इंच से ज्यादा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।